जब आदमी को दो चार चार साल हो जाती है तो काम के लायक नहीं रहता है तो खटके में पड़ जाते हैं। दो साल से घर बैठे हूँ, अब नौकरी तो ही धरे नंगा बैठे हैं, कहते कुछ नहीं है साहब हमारे पास, हमारी तो यही है बाल बच्चे कैसे पढ़े। काम करेंगे जब ही तो पैसा आएंगे, और काम ही नहीं करेंगे तो पैसा खनते आएंगे। और एक एन टाइम में आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाती है, उन्हें मरने की नौबत की कगार पर पहुंच जाती है। सो सवा सवा नहीं मर गए ऐसे कर कर गए, पूरे गांव ही खाली है। मर जाएंगे तो मर जाएंगे सर, क्या कर सकते हैं। राजस्थान के जिला करौली का छोटा सा गांव। यहां की हर सुबह इन्हीं आवाजों के साथ शुरू होती है। शायद पत्थरों को यहां नई जिंदगी दी जाती है, पर शायद इन मजदूरों को यह नहीं पता कि पत्थर पर पड़ने वाली हर चोट के साथ ये अपने लिए मौत तराश रहे हैं। जिला करौली के इस गांव में रोजगार की बहुत कमी है, और मजबूरी में इन्हें सिलिका की इस धूल में 8 से 9 घंटे रहना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये जहरीली धूल इनके अंदर बसती चली जाती है और नर्क बना देती है इनकी जिंदगी को। ये भंवरलाल हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पर 60 की उम्र का दिखने वाला यह इंसान अभी सिर्फ 35 साल का है। इतनी कम उम्र में ही इन्हें कई बीमारियां लग चुकी हैं। खांस खांस कर इनका बुरा हाल है, सांस ठीक से नहीं ले पाते। कई साल तक टीबी का इलाज कराने पर भी इनकी समस्या कम नहीं हुई। फिर एक दिन पता चला कि इन्हें टीबी नहीं सिलिकोसिस है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सांस चले ये जिन्न, और यहाँ में ऐसा लगा कि कछु जम रहे भी था जम रहे नहीं। फिर बात वो सांस नहीं लिख से गाड़ी में थे ऐसे बढ़ती की सा आग की तरह बढ़ती इसी लो लिख से। मैंने एक डॉक्टर नहीं छोड़ा, कुछ नहीं हुआ, घर बैठ कुछ नहीं है घर बैठ। इस बीमारी की वजह से भंवरलाल का काम छूट गया, कमाई नहीं तो इलाज भी नहीं करा पा रहे, और अब तो कर्ज भी मुश्किल होता जा रहा है। अब इनकी तबीयत खराब है तो मैं ले मजदूरी पे नहीं जाऊँ, घर ही बैठे हैं तो अब नहीं है तो नहीं है, और भूखी सूखी खा नहीं पा रहे, नहीं है तो भूखा ही रहना पड़े। अब इनकी कौन करे जाम है तो फिर धंधे पे धंधे करे, या कोई इतना ही बालक बच्चा। यहाँ जिंदगी ज्यादा नहीं मिलती। यहाँ 60 साल की उम्र तक पहुँचने वाले सिर्फ 1 या 2 ही लोग मिलेंगे, पर हर दूसरे घर में कोई ना कोई सिलिकोसिस का मरीज जरूर मिल जाएगा, और ये बीमारी धीरे धीरे इनकी सांसें बंद कर देती है। कितनी उम्र है आपकी? 65-66 साल की उम्र से 20 साल की सी 15-16 साल की उम्र है ये जब तक खानी करी है। गांव में वो कोई है आपकी उम्र के आपके साथ के? अब को नाना बा मैं ही समझ ली तुम बड़ो। खदान मजदूरों को सिलिकोसिस के बारे में पता है, लेकिन पढ़े लिखे न होने की वजह से इन्हें इस बीमारी की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। ऊपर से घर चलाने की मजबूरी, ये लोग खदानों में लगातार काम करते रहते हैं। गल्ली ने साहब मतलब कौन कौन की हम कौन बताएं, गल्ली मर गए वहाँ गांव में, देखो 100 सवा सवा मर गए ऐसे कर कर के, पूरा गांव ही खाली है।
खन वही बीमारी बन जाती, इलाज यहाँ पे होता नहीं है, गरीब आदमी पे पैसे पूछते नहीं है। मजदूरी कर लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो बस मरेंगे तो अति भूखे प्यास। जरा सोचिए, आप और मैं कुछ मिनट भी धूल को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन ये मजदूर बिना किसी सुरक्षा के हर रोज कई घंटों तक धूल में रहते हैं। इनमें से रोज किसी न किसी के साथ कोई न कोई हादसा जरूर होता है। बीमारी है सो अलग। खतर से एक फर्सी कट के आ पड़ी, इसमें आ पड़ी सो इसको गले फिर इलाज करा ला, गले वो कर ले और ये काम करते रहे फिर थोड़ा ठीक हुए गो, फिर ओन जो दोबारा से एक हुई, फिर जब से काम ही खतर को हल्को कर दो, पन ये काम खतर को ही रुक जा रहे हैं तो और है भी नहीं कुछ काम ऐसा। आप घर बैठे हैं, पाँच परेशानी है इसकी, अब ये सर्जरी कराई तो भी ठीक ही है रो। हमारे देश में ऐसे हजारों मजदूर हैं जिनको सिलिकोसिस ने जकड़ रखा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल भारत में माइनिंग से जुड़े लगभग 1,00,000 मजदूर सिलिका कणों से प्रभावित होते हैं। सिलिकोसिस मुख्य रूप से सिलिका कणों और टूटे पत्थरों की धूल की वजह से होती है। काम के दौरान धूल सांस के साथ फेफड़ों तक पहुंचती रहती है और धीरे धीरे बीमारी के रूप में बदल जाती है। ये बीमारी ज्यादातर ऐसे मजदूरों को होती है जो रेत बालू की खदान में काम करते हैं, पत्थर तोड़ने के क्रशर पर काम करते हैं, या फिर कांच और मिट्टी के बर्तनों के उद्योग से जुड़े हुए हैं। दरअसल सिलिका कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाते। धीरे धीरे ये कण फेफड़ों की दीवारों पर जमकर एक मोटी परत बना लेते हैं। इससे फेफड़े ठीक से फैलना और सिकुड़ना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर एक दिन सांसें रुक जाती हैं। इस रोग का कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाए। ये एक इरिवर्सिबल लाइलाज बीमारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं है, लेकिन समय रहते अगर स्क्रीनिंग के द्वारा हमें पता लग जाए कि अभी स्टेज वन का है या शुरू हो गया है, तो हम उस मजदूर को बोल सकते हैं कि भाई आप सावधानी से कार्य कीजिए या अपने कार्य से पृथक हो जाइए समय रहते, अन्यथा यह आपके पूरे फेफड़े को जकड़ लेगा। तो हम कुछ सिम्टोमेटिक उपचार इसका कर सकते हैं। सरकार की तरफ से खनन मजदूरों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं, जैसे विधवाओं के लिए पेंशन, मजदूरों की मौत होने पर 3,00,000 का मुआवजा, लेकिन ये रकम या तो उनको कम पड़ती है या फिर पुराने कर्ज चुकाने में निकल जाती है, क्योंकि जब तक ये रकम इनको मिलती है तब तक काफी कर्ज चढ़ चुका होता है। ज्यादातर मजदूरों को तो इन सुविधाओं के बारे में पता भी नहीं है, फिर कैसे वो अपना हक समझेंगे। डांग विकास संस्थान ये काम कर रहा है। ये संस्था गरीब मजदूरों के लिए 2005 में शुरू की गई थी। डांग की वजह से कई विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद भी मिली है, लेकिन इनका भी यही कहना है कि मजदूरों के लिए कोई ऐसी ठोस पॉलिसी होनी चाहिए जिससे सही वक्त पर इनको मदद मिल सके। जो हो रहा है वो एडहॉक बेस हो रहा है, उसका एक व्यवस्था बननी चाहिए। राजस्थान में माइनिंग लेबर वेलफेयर बोर्ड की बनने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि इनके लिए कुछ स्कीम्स पूल हो सके। प्रिवेंटिव पार्ट, ट्रीटमेंट वाला पार्ट, रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट। प्रिवेंशन पे काम काफी होने की आवश्यकता है, उतना नहीं हुआ है। एक और बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर डॉक्टर भी टीबी और सिलिकोसिस के बीच में फर्क नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सरे में टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए टीबी का इलाज शुरू हो जाता है, और जब तक पता चलता है कि सिलिकोसिस है तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। चिकित्सा महकमे में भी हमारे अवेयरनेस जिनको नहीं है इस रोग के बारे में, जो व्यवसायिक जनित
जो इनकी हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशन है वो अगर हम मिस कर देंगे अगर उस मजदूर की या उस मरीज की, तो हो सकता है हम उसको टीबी समझ के उसको टीबी की दवाई खिलाते रहें और वो मरीज ठीक नहीं होवे, और चूंकि वो अंडरलाइंग सिलिकोसिस बीमारी होती है। हम सब इस जिंदगी में कोई ना कोई सपना लेकर जीते हैं, और शायद इसी वजह से हम किसी न किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। पर क्या जिंदगी इतनी सस्ती है कि जानते हुए भी हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसका अंत सिर्फ मौत है? क्या गलती है इन मजदूरों की जिनके गांव के गांव इस बीमारी से तबाह हो गए? क्या कभी सोचा जा सकता है कि कोई ऐसा भी गांव होगा जिसमें सिर्फ विधवाएं रहती हों? पता नहीं कैसे और कब इस चक्रव्यूह से इनको छुटकारा मिल पाएगा। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो जरिया होगा। कभी तो सुबह होगी।